आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। जनपद कासगंज में एसओजी प्रभारी मुकेश सोलंकी की कामयाबी सामने आई है। शहर में दो माह पूर्व ठेकेदार के यहाँ हुई लूट का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। मुकेश सोलंकी ने लूट करने वालों दो साथी लुटेरों को उत्तर प्रदेश से खोजबीन कर दबोच लिया है। दबोचे गए इन भयानक लुटेरों के पास से दो तमंचा, चार जिंदा कारतूस, 2500 रुपए, दो मोबाइल और एक जोड़ी लूटी हुई चांदी की पायल भी बरामद कर ली है। आपको बता दें, पकड़े गए यह साथी अपराधी वो भयानक लुटेरे हैं जो विरोध करने पर गोली मार देते हैं। जनपद औरैया का रहने वाला शशव और जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला इनायतुल्ला प्रदेश में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मुकेश सोलंकी ने इन साथी लुटेरों को पकड़कर बहुत से घरों को लूटने से बचा लिया है। वहीं एसएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि इस लूट के मास्टरमाइंड सहित पांच अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिशें दे रही है और जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। समाचार ए टू जेड के लिए कासगंज से रोहतास कुमार की रिपोर्ट। पुलिस महानिरीक्षक कासगंज द्वारा अपराधियों के धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसमें दिनांक 20 फरवरी को कायस्थाना गली में एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके अनावरण के लिए इंटेलिजेंस विंग कार्य कर रही थी, उनके द्वारा ये ब्लाइंड केस का अनावरण किया गया। इसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, उसमें एक ऋषभ जो औरैया का रहने वाला है, दूसरे इनायतुल्ला जो फिरोजाबाद का है। इनके पास से दो तमंचे, 2500 रुपया, पायल की तोड़ियाँ, दो मोबाइल बरामद हुए हैं। इनके अलावा पाँच अभियुक्त फरार हैं, उसमें से एक अभियुक्त यहीं कासगंज का है जो मास्टरमाइंड है, जो पहले से उनके दंपति जो है इनसे परिचित था। उसी के द्वारा योजना बनाकर के लूट की घटना कारित कराई गई थी। इस संबंध में इंटेलिजेंस विंग द्वारा अच्छी कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोग गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं। इस खुलासे के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा इंटेलिजेंस विंग टीम को नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे पहले इनका पता कराया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जो फरार हैं उनका आपराधिक इतिहास है और घटना में कई घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, तो उनके लगातार दबिश दी जा रही है और गिरफ्तारी की प्रयास जारी है। जनपद कासगंज में पुलिस अधीक्षक पीयूष श्रीवास्तव के निर्देश पर चल रहे लगातार अभियान में आज एसओजी टीम की बहुत बड़ी कामयाबी सामने आई है। एसओजी टीम ने 20 फरवरी को हुई लूट का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। बरामदगी की बात करें तो लूट में लूटी गई एक पायल लुटेरों के पास से बरामद हुई है, दो तमंचे, चार जिंदा कारतूस, दो मोबाइल और लूटे गए 2500 रुपये भी एसओजी टीम ने बरामद किए। दोनों लुटेरे, जिनमें से एक ऋषभ जो है वो औरैया का रहने वाला है और दूसरा गुल्ला जो फिरोजाबाद का रहने वाला है, बामशक्कत के साथ एसओजी टीम ने इन्हें पकड़ा था। दोनों ही सातर लुटेरे। टीम की कार्रवाई की बात करें तो लगातार जनपद में बेहतरीन कार्रवाई देने वाली एसओजी टीम बन चुकी है। यह 20 जनवरी की बात करें तो जनपद कासगंज में सबसे बड़ा अचीवमेंट आया था, जिसमें 6 बुलेरो, 1 स्कॉर्पियो और 2 बाइक बरामद की थी। एसओजी ने मुठभेड़ के बाद 2 सातिर वाहन चोर पकड़े थे। उसके बाद 12 फरवरी की बात करें तो 25,000 का इनामिया डकैत दुष्यंत जो एसओजी टीम द्वारा ही पकड़ा गया था, जिसे रोडवेज बस स्टैंड से मुकेश सोलंकी ने पकड़ा। अगर कासगंज हिंसा की बात करें तो सलीम, नसीम, वसीम तीनों आरोपियों को पकड़ने वाली भी एसओजी ही टीम थी और पूरी कार्रवाई मुकेश सोलंकी के नेतृत्व में की गई। कासगंज से समाचार ए टू जेड के लिए रोहतास कुमार। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।